सीन ऐसा है, अभी लगभग 7.5 बज रहे हैं और रात मौसम जो खराब था वो पूरा साफ हो गया है। ये अपने अच्छी चीज है, बट 300 किलोमीटर का सफर है तो मैंने पॉलिथीन पहले ही बांध ली है इस पे। अपनी बाइक रेडी है और सबसे जो बुरा काम लगता है ना, ये बैग बांधने वाला लगता है, इसमें पूरा पसीना पसीना हो गया। देखो अब चलते अपना, एक ये वाला बैग और रखना है। मम्मी ने खाना भी बांध दिया तो खाना भी रख के और अपना हेलमेट पहन के चलते हैं। अच्छा मम्मी जी बाय। चलो जी पिताजी ठीक है। से शिमला बचा है लगभग 130 किलोमीटर। मैं रुका यहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पीना है और मम्मी ने जो खाना बांधा था वो अपना खाना खा लूंगा। टाइम दिखा रहा है लगभग 2:30-3 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा शिमला। और एक प्रॉब्लम और हो गई आते हुए रास्ते में, भाई मैं एक जगह रुका था ये जैकेट जिप बंद करने के लिए, वहाँ पे मैंने ग्लव्स ऐसे निकाल के रखा और वो ग्लव्स वहीं गिर गया, तो ये नुकसान हो गया। सिर्फ एक ही ग्लव्स बचा है, खोया भी राइट हैंड वाला है। लेफ्ट हैंड वाला होता तो कोई एक बार कोई दिक्कत नहीं थी। राइड स्टार्ट ही हुई है और मेरे पास दूसरे ग्लव्स भी नहीं है एक्स्ट्रा पेयर। सारे में यही सीन रहेगा, हाथों की पूरी गंदी वाली लगने वाली है अभी से। ये यहाँ से ये पूरा सुन्न होने लगा और दुखने लगा है। तो मौसम यार, कल रात इतना बारिश हो रही थी और आज देखना, आज बिल्कुल धूप निकली हुई है गंदी वाली। लगा नहीं था मौसम ऐसा होगा, मैं वैसे ही रेनकोट पहन के निकला था। इससे ही बारिश हो तो कम से कम मेरे को बार बार चेंज ना करना पड़े, बट कोई नहीं। चलो मैं खाना खाता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे। तो भाई सीन ऐसा, अचानक से बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही है। ये मौसम देख रहे हो, किसी बादल पे बारिश पड़ रही है कहीं नहीं पड़ी, यहाँ पे पूरा सूखा है और पीछे देख रहे हो पूरा गीला हो गया सारा। लगभग 1-2 किलोमीटर पीछे की बात है, वहाँ इतनी बारिश पड़ रही थी बहुत गंदी वाली, देखो सब गीला हो गया। यहाँ से अभी भी 79 किलोमीटर बचा है शिमला, चलते हैं भाई आगे मौसम खराब ना मिले बस। चलो हाँ, तो भाई ये देखो जरा क्या मौसम हो गया है, इतना प्यारा मौसम हो गया है ना, ऐसा लग रहा है दिसंबर के महीने में मैं आया हूँ भाई साहब, एक नंबर मौसम हो गया। अभी पीछे इतनी तगड़ी बारिश पड़ रही थी और अभी एकदम से इतना प्यारा मौसम। हॉस्टल तो ले लिया, यहाँ की रोड ऐसी है भाई, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो मिल के नहीं देती। कम से कम 1-1.5 घंटा में हॉस्टल ढूंढने में लगा रहा और पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू है, बट इस वाले हॉस्टल में पार्किंग हो गई। ये देखो यहाँ से बालकनी का व्यू, इतना बढ़िया मौसम और एक कप चाय। मजा आ गया। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, कपड़े वपड़े भीग गए थे थोड़ा, दो कुछ सारे चेंज कर लिए और अपनी बाइक लगी है यहाँ पे। एक सेकंड दिखा तो अपनी बाइक, वो देखो उधर पिंजरे में खड़ी है, उसमें डर लग रहा है पिंजरा गिर ना जाए। बाकी लगता तो नहीं गिरेगा, क्या तो यही रहे थे गिरेगा नहीं। और ये कुछ अपना हॉस्टल है, बाहर से थोड़ा सा ऐसे ही रॉ दिख रहा है बट अंदर से बहुत प्यारा है। पर ये जो ये यहाँ से जो व्यू है इसकी, ये देखो भाई बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे जो गूगल मैप है वो बिल्कुल काम नहीं करता, बहुत दिक्कत है गूगल मैप की। रास्ता तुम्हें कहीं से कहीं को दिखाता रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, रास्ते पहुंच ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है गूगल मैप की, क्योंकि यहाँ गलियां बहुत छोटी छोटी है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, अगस्त के महीने में ऐसा सीन भाई दिसंबर में कहीं होते है, इतना कोहरा दिसंबर के टाइम पे आता है और ये कोहरा यहाँ पे अगस्त में आ रखा है। बाकी अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ, बाहर से तो थोड़ा इसी टाइप से है, अंदर से दिखाता हूँ हॉस्टल कैसा है।